नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि कैलकुलेशन ट्रिक का एक सीरीज मैंने चलाया है और आप उसको देखकर इसका फायदा उठा रहे होंगे, आपकी स्पीड काफी अच्छी हो रही होगी। आज की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक का ही एक पार्ट है, जहां पर हम किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो आज की क्लास जो रहेगी इसका ये मैं पार्ट वन लेकर आया हूँ, पार्ट टू भी लेकर आऊंगा, जहां पर कुछ और बड़ी संख्या रहेंगी उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पहली बात, तो अगर आपको स्पीड बनाना है, अगर आप अपने स्पीड पर वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए एक काम है, एक काम ये है कि आप क्या करिएगा। वैसे तो काफी लोग अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग 1 से लेकर 31 तक का स्क्वायर याद किए होंगे। अगर नहीं याद किए हुए हैं तो आप क्या करिए, 1 से लेकर 31 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपका याद होगा, आप क्लास में जो आपका कैलकुलेशन ट्रिक चल रहा है वहां पर हम इसी स्क्वायर बेस पर हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो कई जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसका यूज खासतौर से रीजनिंग में भी आप देखते होंगे। अगर हमें स्क्वायर याद होता है तो रीजनिंग में भी कुछ सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कर सकते हैं। तो अब आज की जो क्लास है वहां पर हम लोग सीखेंगे कि 100 से, अभी आपका ये पहला पार्ट है जहां पर हम 100 से लेस और 100 से ज्यादा, तो इसमें हम कैसे सीखेंगे। और उसके बाद पार्ट वन में एक चीज और रहेगा, अगर आपका 50 से अगर भी कम संख्या है और 50 से अगर संख्या ज्यादा है तब हम उसका कैसे स्क्वायर जल्दी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर पहला काम आपको मैंने दे दिया, यहां पर आपको क्या करना है, 1 से लेकर 31 तक का स्क्वायर याद करना है। अब चलिए देखिए क्या करना है। अब मान लीजिए किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर करना है, जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं, पहले 100 से लेस में लेता हूं, मान लीजिए मुझे 98 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 98 का स्क्वायर करना है तो आपको वैसे तो पता ही होगा ट्रेडिशनल वे में कैसे करते हैं। तो जब भी अगर आप 98 का स्क्वायर अगर आपको जल्दी करना है तो हम लोग क्या लेते हैं, 100 को एक आधार मान लेते हैं, 100 को क्या मान लेते हैं, आधार, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं बेस। तो 100 को अगर हम बेस मानेंगे, 100 को बेस मानेंगे, तो ये स्क्वायर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए तरीका क्या होगा, आपने 100 बेस माना, आप ये देखेंगे 100 से 98 कितना कम है, कितना कम है, 2। तो आपने देखा 2 कम है, अब जो भी कम होगा आप क्या करिए उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे कितना आएगा, 4। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगल डिजिट में 4 तो आया, लेकिन आपको उसके बगल में 2 अंकों की संख्या यहां लिखना पड़ेगा, जिससे इसलिए 4 के इसके पहले हमने क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। अब क्या करना है, आपने देखा 100 से यहां पे देखिए 2 कम था, अब आप क्या करेंगे 98 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि कम था ना, इसलिए 98 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो कितना जाएगा 9604। आप देख रहे हैं कि 98 का स्क्वायर देखिए हमारा तुरंत आ गया। ऐसे देखिए अभी और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज आसान हो जाएगा और आप इसकी क्या करिए प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए मुझे 93 का स्क्वायर करना है, अब 93 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपने देखा, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल बेस नहीं करना, हम लोग अपना कैलकुलेशन ट्रिक अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 100 को बेस माना, क्योंकि 100 के पास में है इसलिए हम लोग 100 बेस मानेंगे। और जैसे हमने 100 बेस माना, आप देख रहे हैं कि 100 से ये कितना कम है, 7 कम है, तो आप क्या करिएगा 7 का स्क्वायर करेंगे, जितना भी कम रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 49। अब जैसे आपने देखा ये 49 आया, आप क्या करिए, क्योंकि कम था 7 कम था, इसीलिए 93 से क्या कर देंगे आप 7 घटा देंगे, और जब 93 में अगर आप 7 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है आपका, 93 से अगर आप 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 86। तो आप देख रहे हैं कि 93 का स्क्वायर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। तो आप एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 96, अब थोड़ी स्पीड भी हम लोग बनाते हैं, आपने देखा 4 कम है 100 से, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 अब इसमें कर दीजिए कम, 96 में से 4 कम करेंगे कितना जाएगा 92। लेकिन एक चीज समझिएगा, अभी आपका ये क्या है 100 से कम में है, और 100 से कम में आप 91 92 इस टाइप से आप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं इसका स्क्वायर अगर आप देख लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर मैं यहां पर 88 का स्क्वायर ले लूं, अब क्या करेंगे, अब आप देख रहे वैसे ही करना है, 100 से आपने देखा 12 आपका क्या है कम है, तो 12 का स्क्वायर, और इसीलिए मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर बताया है। तो 1 से लेकर अगर 30 तक का, अगर 31 तक का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर देखिए क्या होता है 144। तो देखिए 2 अंकों में ही लिखना है,
44 लिखा और एक क्या कर लेंगे कैरी। अब आप क्या करेंगे 88 में आप 12 घटा दीजिए, तो 12 कैसे घटाते हैं, पहले 10 घटाइए 78, 78 में फिर 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और जैसे देखिए घटाने के बाद ही फिर उसको एक को जोड़ना है, तो जैसे आपने घटाया उसके बाद 76 में आप एक जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 77। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि 88 का स्क्वायर क्या होता है, कितना आ जाएगा 7744। आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके उसको फिर से देख सकते हैं, जिससे आपको ये आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो मैं आप क्या कर रहा हूं 100 से ज्यादा ले रहा हूं, तो 100 से ज्यादा मान लीजिए मैंने लिया 103, इसका स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो 103 का स्क्वायर मतलब 103 का स्क्वायर क्या होगा, वैसा ही करना है। अब आपने देखा 100 हमारा बेस था, 100 हमारा बेस था, तो 100 से देख रहे हैं कितना ज्यादा है। अब क्या है ज्यादा है, तो 100 से अगर हम ज्यादा देखते हैं कितना है 3, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, तो हम देखिए 2 डिजिट में लिखेंगे 09। अब वहां पे क्या किए थे, वहां पर आपने घटाया था, वहां पर आपने घटाया था क्योंकि कम था। अब यहां ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 103 में आप क्या करिएगा 3 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहां पे 3 ज्यादा है, तो 103 में आप 3 जोड़ देंगे कितना जाएगा 106। देखिए बस समझाने में टाइम लगा है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्पीड काफी बन जाएगी। अब 106 का ले लेते हैं, अब देखिए थोड़ा हम स्पीड में कर रहे हैं, 6 ज्यादा है तो क्या लिखा 36, फिर 106 में 6 जोड़ दीजिए कितना जाएगा 112। समझ में आ रहा होगा, मान लीजिए 114 का मुझे करना है। अब आपको पता है 14 का स्क्वायर आपको पता होगा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो आपने 96 लिखा और एक आपको ध्यान रखना है बाद में जोड़ना है, क्योंकि दो अंकों में ही हमें इसे लिखना है। तो 114 में आप क्या करिए, क्योंकि 14 ज्यादा था तो 114 में 14 जोड़ देंगे 128 और एक ये क्या हो जाएगा 129। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे 100 से अगर ग्रेटर होगा तब हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो जब हम लोग पार्ट टू लेकर आएंगे आपके सामने, पार्ट टू में हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम 752 ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े नंबर हैं उनका हम कैसे स्क्वायर करेंगे। जैसा कि आपको 100 से ज्यादा कर रहेगा 100 से कम रहेगा, आप अच्छे से इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा एक चीज आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हम लोग डायरेक्ट 100 बेस से ही डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए, लेकिन यहां पर भी इसका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप मान लीजिए 73 का जैसे आपने स्क्वायर निकाला, आप इसको 100 बेस मानकर भी निकाल सकते थे, और उसके अलावा इसको हम 50 बेस पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज फर्क पड़ेगा और वो मैं आइडिया आपको दे दे रहा हूं, और इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे भी मैं इसका पार्ट टू लेकर आऊंगा तो आप वहां पर भी सीखेंगे, लेकिन आप चाहें तो कोशिश करिएगा, तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेस क्या है, तरीका क्या है। जैसे आप समझते हैं कि अगर कोई चीज अगर 100 है तो 100 अपने आप में क्या होता है, पूरा पूरा होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई भी अगर हम 100% रिजल्ट आया, 100% रिजल्ट का मतलब क्या है, वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है। अब ऐसे ही अगर हम मुझे 50 मान लीजिए मुझे 100 मार्क्स में अगर कोई मार्क्स आता है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा यहाँ पे 2 मिनट के लिए। अगर आपका 100 मार्क्स में अगर आपका आ गया 89, तो आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आप बोल देंगे 89%। बात समझ में आ रही है। लेकिन यही चीज अगर आपका कोई पेपर, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे तो मान लीजिए 50 में अगर आपका 40 मार्क्स आ गया, तो क्या आप तुरंत बोल देंगे 40? आप समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी चीज अगर उसे हमें 100 में बनाना पड़ता है। इसीलिए जैसे आप परसेंटेज में काम करते हैं, अगर आप परसेंटेज में काम करेंगे तो आपको पता है कि नीचे आपको 100 लाना पड़ेगा, तो नीचे 100 लाने के लिए देखिए इंटू टू करेंगे कितना जाएगा 80/100। अब आप आराम से बता देंगे कि कितना हो जाएगा 80%। तो ऐसे ही आप जो बेस मानते हैं, जैसे बेस हमने 100 माना, तो ये आपका क्या है, कॉमन बेस है, मतलब 100 हम बेस मानते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर 50 में हो जाए तब हम क्या करेंगे, तो आपको समझ में आ गया है कि 50 को 100 के रेस्पेक्ट में आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया। तो अब मानिए कि अगर आपका 50 बेस बनाना है, अगर आपको 50 बेस बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए 100 में से आपको 50 बेस बनाना है, तो ये जो निकल कर सामने आ रहा है कितना आ रहा है 1/2। ये जो 1/2 आ रहा है, इसको हम ये मान सकते हैं 1/2 आपका क्या है, एक फैक्टर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीज समझ में आएगा कि इस 1/2 का यूज कैसे करते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहां पर अब 1/2 का यूज कैसे करना है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिया मैंने 48 का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है।
अब आप ये बताइए, ऐसा नहीं है कि ये 100 से नहीं निकल सकता, 100 से निकल सकता है, लेकिन 100 से आप सोचिए, अगर आप 100 से देखेंगे कितना कम है, 52, तो 52 का स्क्वायर हमें याद ही नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग को इसको बेस क्या करना पड़ेगा, इसको बेस, इसका बेस जो हमें लेना पड़ेगा 50 लेना पड़ेगा। तो 50 से देखिए कितना कम है, 2 कम है, तो इसका मतलब 50 से अगर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या कर दीजिए, 2 कम कर दीजिए, जैसे आपने 2 कम किया कितना आया, 46। अभी रुके रहिएगा, अगर ये 46 आया है, इसका मतलब इसके पहले जो आप 100 वाला केस करते थे तो आपका हो जाता था, क्यों, क्योंकि 100 अपने आप में पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये 50 बेस है, इसीलिए जब आपने घटाया उसके बाद जो भी आया आप इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब आपको समझ में आया होगा इस हाफ का मतलब क्या है, इस हाफ का मतलब यही था कि ये जो पूरा था ये 100 पे था, जैसे आपने बटे 2 किया तो ये आपका 50 पे बेस पे बन गया, कितना आ जाएगा, 23। इसीलिए जो 48 का स्क्वायर होता है वो आपका कितना हो जाता है, 2304। तो उम्मीद है कि जो 50 वाला बेस है, यहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका बेस पे मैंने इसका फैक्टर निकाला है कि 1/2 कैसे आया है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी स्क्वायर को जल्दी सॉल्व। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मुझे 49 का करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो 50 बेस मानेंगे क्योंकि इसके पास में ही है, 50 अगर आप बेस मानेंगे कितना कम है, 1 कम है, तो हमने 1 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा 1 कम है तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो इसको मिले 2 अंकों में लिख लिया 01। अब आप क्या करेंगे, 49 में से 1 कम करेंगे क्योंकि कम है, 49 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। मतलब ये चीज मुझवा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 46 का स्क्वायर करना है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना आया, 16, 4 कम करेंगे 42, 42 का आधा 21। आपको इसी तरीके से क्या करनी है, आपको अपनी स्पीड बनानी है। तो जैसे आपने 50 से लेस से किया, वैसे हम 50 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 प्लस में देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए मुझे 56 का करना है, अब आप देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। अब ध्यान रखिएगा यहां जोड़ेंगे क्योंकि 50 से आप 6 ज्यादा है, तो 56 में 6 जोड़ेंगे, तो 56 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 62, और 62 का फिर आधा कितना जाएगा, 31। आप सोच सकते हैं कि आप यहां से कितने सेकंड आप बचा सकते हैं, और कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जहां पर आपको स्क्वायर ना दिखे। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको स्क्वायर पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं आपको जो स्क्वायर आता है तो वहां पर हमारा लोग का जो तरीका है थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, लेकिन इस तरीके से आज के बाद आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी इस पे कमांड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया वही 73 वाला ही केस ले लिया, आप इसको आप 100 से भी सॉल्व कर सकते हैं, 50 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 50 से जब करेंगे देखिए क्या करेंगे, 50 से देखिए कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, 50 से अगर 23 ज्यादा है तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, तो हमने 29 लिखा, फिर 5 क्या कर लिया, 5 को बाद में हम करेंगे, तो आपने देखा 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, फिर 5 ही हो गया। अब 23 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आप 23 जोड़ेंगे तो देखिए पहले 20 जोड़ दीजिए, 93 और 3 96, 96 का आधा, 96 का आधा कितना हो जाएगा, 48, ध्यान रखिएगा, फिर आधा करने के बाद ही ये 5 जोड़ना है, आधा करने के बाद ही क्या करना है, ये 5 जोड़ना है, तो 48 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 48 और 5 क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप 100 से भी कर रहे थे तब भी आ जा रहा था, और 50 से भी कर रहे हैं तब भी आ जा रहा है। तो इस यहां पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसका कंक्लूजन यही निकला कि अगर आपका 100 से थोड़ा पास में रहेगा तो हम क्या लेंगे, 100 बेस को मानेंगे, अगर 50 के आसपास होगा तो हम 50 को बेस मानेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पार्ट 2 में और बड़े बड़े स्क्वायर कैसे जल्दी करते हैं तो वो चीज भी हम लोग सीखेंगे। तो आपके लिए बस एक काम यही है कि आप क्या करिए, 1 से लेकर 31 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, और उसके बाद देखिएगा आपकी स्पीड बहुत ही फास्ट होगी, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन ट्रिक की जो सीरीज चल रही है, हम लोग यहां से कम अपने कंपटीशन में 10 से 15 मिनट जरूर बचा लेंगे। और ये आप खुद, आप अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज खुद ही एहसास हो गया होगा कि आपकी स्पीड यहां पे कितनी बन रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे और वहां पर आपको और बड़े बड़े स्क्वायर बताएंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए बस इतना।